कराची किंग्स की जो जर्नी रही है पिछले 3-3.5 साल की, जब से PSL स्टार्ट हुआ है, उसमें हमारा ये सिर्फ प्लान नहीं था कि एक टीम जो है वो फ्रेंचाइज जो बना के हमने PSL में खिलानी है, बल्कि ये मकसद था कि नए टैलेंट को भी आगे लेके आना है और कराची कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करे जब PSL नहीं हो रहा होता, जहाँ पे यंगस्टर्स को जो है वो आगे आने का मौका मिले, इमर्जिंग कैटेगरी के लिए और ऑप्शंस मिले, सिर्फ कराची को नहीं बल्कि बाकी फ्रेंचाइजेस को भी। और उसी सिलसिले का एक हमने पहला टूर्नामेंट जो किया था वो कराची के शहज़ादे किया था, उसको एक्सपैंड किया इस साल हमने, और अब सिंध के शहज़ादे किया। राशिद लतीफ़ साहब, मसरूर जो हमारे फील्डिंग कोच हैं, इन सब ने मिलकर और जाकर अंदरून सिंध में लड़कों के ट्रायल्स लिए, जिसमें मीरपुर खास, अखर, नवाब शाह, ये सारी जगहें शामिल हैं। वहाँ से लड़के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकर आया और इनका टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जो 5 टीमों का टूर्नामेंट है यहाँ, उसको सिंध के शहजादे का नाम दिया। अब ये कितना सक्सेसफुल है ये सारा प्रोजेक्ट, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पिछले PSL में जाएँ तो कराची किंग्स के पास अमाद आलम थे जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, अबरार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उसके अलावा आपको ऐसे लड़के मिलेंगे जो कि फ़र्स्ट क्लास खेल रहे हैं आजकल, जैसे मोहम्मद इरफान जूनियर हैं, पाकिस्तान नहीं खेले लेकिन PSL के थ्रू उनको चांस मिला। फिर आप और आगे चले हैं तो उसमें मुश्ताक अहमद खलोड़ो हैं, वो भी अंदरूनी सिंध से हैं, उनको भी चांस मिला हैदराबाद से हुआ है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे इस टूर्नामेंट के ज़रिए प्रोवाइड कर रहा है कराची किंग्स और इसको टेलीवाइज कर रहा है, इससे पूरा गेम सिनारियो ही बदल जाता है। जब पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा हो, PTV स्पोर्ट्स आप जानते हैं टेरेस्ट्रियल चैनल है, दूर दूर हर गांव गली तक देख सकते हैं लोग उसको, तो उस सिलसिले में जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इन लड़कों के लिए बहुत बड़ी अहमियत कहाँ मिल होती है ये चीज़। मुझे किसी ने बताया कि अंदरूनी सिंध में किसी जगह पे एक लड़का जो यहाँ खेल रहा है, उसके मोहल्ले वालों ने जनरेटर ख़रीदा है ताकि ये मैच देख सकें विदाउट डिस्टर्बेंस। आई एम श्योर वो रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, तो उनका लड़का या उनके मोहल्ले का कोई अच्छा खेलने वाला इस लेवल पर आ गया है जहाँ टेलीविज़न पर आ रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर जब चीज़ें TV पर आती हैं तो क्या पता जो बैठे हुए हैं हेलम ऑफ अफेयर्स, यानी जो सिलेक्शन करते हैं टीमों की, उनमें से कोई देख ले, कोई ऐसा टैलेंट पिक कर ले जो इस लड़के को आगे लेके चला जाए, कुछ लड़कों को आगे ले जाए। तो ये हमारा बेसिकली जो आइडिया था वो ये था कि कराची किंग्स सिर्फ कराची किंग्स तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान को नए ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकें इस प्लेटफॉर्म से। और उम्मीद यही है कि इसी तरह आगे भी हम, अब सिंध गए हैं तो पूरा पाकिस्तान खुला पड़ा है, हम और जगहों पर जाएँ और इसको और ज़्यादा बढ़ाएँ एवरी ईयर।